हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशु। स्वागत है आपका आरोहण में। सो द मोस्ट वैलिड वैकेंसीज फॉर द डिग्री एंड डिप्लोमा इंजीनियर्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज अनाउंस्ड इट्स वैकेंसीज फॉर इट्स डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। यहाँ बस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अभी रिसेंटली में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी अनाउंस की है। यहाँ बस हम देख सकते हैं कि जो सीएसईबी है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसके बेसिकली 5 मेन सेगमेंट होते हैं। इसमें से 3 मेन सेगमेंट के लिए अभी वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो यहाँ बस हम आपको बता रहे हैं द डिफरेंट वैकेंसीज इन द डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ओनली फॉर द इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम्स। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम्स में जहाँ जहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज क्रिएटेड हैं, हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बेसिकली यहाँ पर 5 सेगमेंट होते हैं, CSPGCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। सो इट्स 5 मेजर सेगमेंट, जिसमें से 3 मेन सेगमेंट के लिए भी वैकेंसीज क्रिएट हुई है। यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के लिए, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग वैकेंसीज फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हमारा अभी यहाँ पर निकला हुआ है, वो निकला हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए और जूनियर इंजीनियर के लिए ट्रेनिंग। तो फर्स्ट चलिए देखते हैं इसके लोकेशंस फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर। तो फर्स्ट इसका पोस्ट कोड दिया हुआ है, वो 1 दिया हुआ है। यहाँ पोस्ट कोड 1 में यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसमें अनरिजर्व की 4 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 4 वैकेंसीज हैं, एससी की 7 वैकेंसीज हैं और एसटी की 41 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें इंक्लूडिंग 8 बैकलॉग वैकेंसीज है। बैकलॉग वैकेंसीज मतलब इस पर्टिकुलर कैटेगरीज में प्रीवियस स्टेज के रिक्रूटमेंट में जो भी वैकेंसीज फुलफिल नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर उनको भी ऐड किया गया है। इन्हें कम बोलते हैं बैकलॉग वैकेंसीज। तो जो टोटल वैकेंसीज निकल के आ रही है यहाँ पर, वो 56 वैकेंसीज है, 56 वैकेंसीज है हमारी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के लिए। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर जो पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है, यहाँ पर उसके लिए अनरिजर्व 5 वैकेंसीज है, ओबीसी में कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, एससी में 1 वैकेंसी है, वो बैकलॉग वैकेंसीज है, एसटी में 20 वैकेंसीज है, वो भी बैकलॉग वैकेंसीज है। जो टोटल अमाउंट की वैकेंसीज हो रही है यहाँ जो पावर जनरेशन कंपनी के लिए, वो हो रही है 26। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की अगर बात करें, तो वहाँ पर अनरिजर्व के लिए कोई भी वैकेंसी क्रिएटेड नहीं है, ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एससी के लिए 6 वैकेंसीज में से 5 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग के लिए है, एसटी में यहाँ पर 3 वैकेंसीज क्रिएटेड है, यहाँ पर जिसमें से 2 वैकेंसीज है वो बैकलॉग वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज कितनी हो रही है यहाँ पर, वो हो रही है 39। सो दिस इज द डिफरेंट वैकेंसी हैज बीन created in the different important segment of distribution, generation and transmission of the state district board. This is for the assistant engineer. आइए अब देखते हैं जूनियर इंजीनियर के बारे में। तो फॉर जूनियर इंजीनियर की हम बात करें, तो यहाँ बस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर अनरिजर्व 36 वैकेंसीज हैं, यहाँ पर ओबीसी के लिए 11 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 6 वैकेंसीज हैं और एसटी के लिए यहाँ पर 109 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 163 वैकेंसी जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए। अगर नेक्स्ट यहाँ पर जनरेशन कंपनी की हम बात करें, जनरेशन कंपनी में जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर स्थानीय कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज एससी के लिए हैं जो कि बैकलॉग वैकेंसीज हैं और यहाँ पर जो 19 वैकेंसीज हैं वो भी बैकलॉग के लिए हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वैकेंसी की हम बात करें, तो यहाँ पर 23 वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं जो हमारी है पावर जनरेशन कंपनी। लास्ट में बात करें पावर ट्रांसमिशन की, तो पावर ट्रांसमिशन में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसीज यहाँ पर नहीं है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 3 वैकेंसीज हैं और एसटी के लिए 4 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी है यहाँ पर, 9 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर यदि हम गौर से देखें तो जो यहाँ पर जो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग और जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग वैकेंसीज क्रिएट हैं, यहाँ पर डिफरेंट जो हमारी कैटेगरीज हैं अनरिजर्व ओबीसी एसटी एससी के बारे में यहाँ पर एलोकेशन किया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी। सो हम कह सकते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली हमारे जो भी इंजीनियर्स हैं यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जो कर चुके हैं यहाँ पर, तो उनके लिए अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, वो यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो रिक्रूटमेंट क्रिएट हुआ है इसके की पॉइंट्स हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डेट फॉर ऑनलाइन प्रोसेस। तो जो हमारा
ऑनलाइन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल से और 12 बजे से इसका जो लिंक है ये ऑन हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हमारे लिए ध्यान रखना है 11 अप्रैल से हमारा जो ऑनलाइन जो लिंक है इसका ये ऑन हो जाएगा, तो 11 अप्रैल से हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं अप्लाई करना। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो उसका लास्ट डेट है फॉर स्टेट वन एंड स्टेट टू के लिए वो होगा 2 मई, 2 मई होगा, और जो इसका लिंक होगा ये 6 बजे तक रहेगा, उसके बाद जो है ये लिंक जो है क्लोज हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ध्यान रखना है कि जो लास्ट डेट है फॉर स्टेट वन स्टेट टू, स्टेट वन में जो रहेंगे आपके एक बेसिक इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपको पुट अप करना होगा, आपको भरना होगा अपना नाम, पर्सनल डिटेल्स, तो यू हैव टू पुट जस्ट योर बेसिक इंफॉर्मेशन एंड योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी। तो इस वजह से इसको आप स्टेप वन में फिल अप करोगे तो आपको एक जो इसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके सेकंड स्टेप पर पहुंच सकते हैं। स्टेप टू जो रहेगा वहां पर आपको बेसिकली फिल करने होंगे आपके डिटेल्स रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशंस एंड कंप्लीट योर इंफॉर्मेशन। तो स्टेप टू जो रहेगा, स्टेप वन स्टेप टू के बाद हमारा आएगा, तो हमको ध्यान रखना है कि जो स्टेप वन में बेनिफिट करना है तो इसके बाद स्टेप टू होगा, तो जिसका जो पर्टिकुलर जो डेट एंड अप हो रहा है वो एंड हो रहा है 2 मई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ध्यान रखनी है। टाइम का भी ख्याल रखिएगा 6 बजे। जो एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट, लास्ट डेट फॉर स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या कीजिए, जो स्टेप थ्री जो रहेगा जब हम स्टेप वन और स्टेप टू को अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद हमारा स्टेप थ्री है जहाँ पर हमको बेसिकली फी पे करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा फी पे करने का जो हमारा लिंक रहेगा ये बेसिकली जो है ये रहेगा 3 मई का, और ये जो लिंक रहेगा ये 3 मई की रात में लगभग हम बोल सकते हैं कि 11:59 पर यहाँ पर क्या रहेगा जो लिंक जो है उसको पहुँच जाएगा। तो हमारे पास ये टाइम हमको ध्यान में रखना है जो स्टेप थ्री है ये हमारा 3 मई को जो इसका लिंक है ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हमको यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि ये स्टेप थ्री जो होगा जब आप स्टेप टू लिंक जब आप स्टेप टू को अप्लाई करोगे तो स्टेप टू को अप्लाई करने के 24 आवर्स के बाद ही आपका स्टेप थ्री का लिंक जो है वो एक्टिवेट होगा। तो ध्यान रखिएगा, तो कीप पेशेंस, घबराइएगा मत, आपका स्टेप टू जब अप्लाई कर देंगे तो उसके 24 आवर्स के बाद ही आपका स्टेप थ्री का जो लिंक है वो एक्टिव होगा, ठीक है। थोड़ा देर दीजिएगा यहाँ से। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा इसका है, यहाँ पर हमें देखना कि कौन कौन से लोग और कौन कौन से पार्ट यहाँ पर जो हम इस पर्टिकुलर जेई और ये ट्रेनिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट रहेगी वो सिर्फ जो छत्तीसगढ़ के जो डोमिसाइल हैं जो सी जी के रहने वाले हैं सिर्फ उनके लिए ही ये जो है ये पोस्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, जो सी जी के बाहर है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट, जो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट होगी जो भी सी जी के बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे जो सी जी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो बाहर के हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जे में जो सी जी के बाहर रहने वाले कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ए में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसी में रिगार्डिंग द एज, तो जो इंजीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट है उसमें जो मिनिमम एज की जो रिक्वायरमेंट है वो है 19 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स। उसी प्रकार से जो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट है उसमें जो मैक्सिमम एज है वो 35 है और जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है। दिस पर्टिकुलर एज इज दिस बोथ दिस एज इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सी जी डोमिसाइल कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अप्लाई फ्रॉम द अदर छत्तीसगढ़, सो उनके लिए जो एज मेंशन किया गया है 30 ईयर्स। सो जो सी जी के जो सी जी के बाहर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दी एज एज पॉइंट ऑफ व्यू एंड कौन इसमें अप्लाई कर सकता है कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट जो हमारा की पॉइंट में आ रहा है वो आ रहा है फी के बारे में, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट है उसमें जो युवा और जो पुलिस कैंडिडेट्स होंगे उनको जो फी होगी उनकी फी है 1500 रुपीज और जो एससी और एससी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फी है वो है 1200 रुपीज, ओके। और जो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट है उसमें जो युवा और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फीस है वो 1000 रुपीज है और जो एससी और एससी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फीस है वो 700 रुपीज है। दिस इज द फी स्ट्रक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू केयर फॉर दिस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट इज दैट द एग्जाम पैटर्न, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न इसमें मेंशन किया गया है इस रिक्रूटमेंट में उसके अकॉर्डिंग इसमें जो होगा इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पर सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा। जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स होगा, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा और जो टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं टोटल जो मार्क्स होंगे इसके वहाँ पर जो होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। यहाँ पर जो
हमको 100 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 घंटे के पेपर में यहाँ पर। तो 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस 100 क्वेश्चंस में 2 पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट वन, दूसरा होगा पार्ट टू। जो पार्ट वन होगा, पार्ट वन में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, और जितने भी 80 क्वेश्चन होंगे ये जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच पर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उस ब्रांच से रिलेटेड ही 80 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट जो 20 क्वेश्चन है यहाँ पर, 20 क्वेश्चन बेस्ड होंगे जनरल अवेयरनेस पर और लिसनिंग पर। तो इस दो पार्ट से हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा, इस प्रकार से इस दो पार्ट से हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो फ्रेम होगा। ठीक है, ये हमको बहुत ध्यान रखना है, तैयारी हमको इसके हिसाब से करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि जो भी क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, 200 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें जो राइट आंसर जो रहेगा, राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 डायरेक्शन होगा। मतलब यू कैन से कि हमारे पास 0.25 का जो मार्क्स होगा उसका डिडक्ट कर दिया जाएगा, यदि हाँ यदि क्वेश्चन क्या होगा, यदि आंसर क्या होगा उसका तो रॉन्ग होगा हमारे पास। ठीक है, और यदि कोई कैंडिडेट कोई भी क्वेश्चन को अटेंड नहीं करता है तो उसके लिए कोई भी मार्क्स गेन नहीं होगा यहाँ पर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स होंगे, वो डिडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो भी हमारा जो टेस्ट होने जा रहा है, इस टेस्ट में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन किया गया है इस काउंटर प्रेस टेस्ट के लिए, तो जो यूआर और ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे उनको मिनिमम 40% मार्क्स गेन करना होगा, और जो एसटी और एससी कैंडिडेट्स होंगे उनको मिनिमम 30% मार्क्स जो है वो उनको गेन करना होगा। दिस इज दी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को गेन करना होगा। ओके, दिस इज अबाउट दी काउंटर प्रेस टेस्ट। अब जब ये टेस्ट हो जाएगा तो इस टेस्ट के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी, तो मेरिट लिस्ट में जो इस भी कैटेगरी में जितने भी पोस्ट मेंशन है, जैसे हमने प्रीवियस में डिस्कस किया हुआ है, जितने भी पोस्ट उसमें मेंशन है, तो हर पोस्ट में मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और जो इंटरव्यू मार्क्स दिया हुआ है वो है 15 मार्क्स। सो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पेपर होने जा रहा है, एमसीक्यू पेपर, जो सीबीटी पेपर होने जा रहा है, वो होगा 100 मार्क्स का, और जो हमारा इंटरव्यू होगा वो होगा 15 मार्क्स। तो हम बोल सकते हैं जो टोटल हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो होगा 115 मार्क्स का, 115 मार्क्स का हमारा टोटल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, इंक्लूडिंग द सीबीटी एंड दी इंटरव्यू पार्ट। ओके, सो दिस इज दी वेरी बेसिक्स एंड की पॉइंट्स रिगार्डिंग दी दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ओके, सो इस रिक्रूटमेंट के इंपॉर्टेंस को समझते हुए टीम आरोहण ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, और वो स्टेप मैं बहुत शेयर करने के लिए चाहूँगा। टीम आरोहण ने डिसाइड किया है कि वो एक लॉन्च करेगी फ्रेश कोर्स फॉर द सीएसएबी रिक्रूटमेंट। सीएसएबी रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ नोट दिया हुआ है इस वीडियो में, वैकेंसीज का डिटेल बताया हुआ है, उनके की फीचर्स बताए हुए हैं। अब टीम आरोहण यहाँ पर एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रही है स्पेसिफिक ओनली फॉर सीएसएबी रिक्रूटमेंट। ओके, तो जो इसके की फीचर्स हैं वो आपके सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये जो क्रैश कोर्स होगा, ये क्रैश कोर्स का जो फ्रेश बैच होगा ये स्टार्ट होने जा रहा है 14 अप्रैल से। जी हाँ, इस बैठ को ध्यान रखिए, 14 अप्रैल से हमारा जो फर्स्ट बैच है, जो फ्रेश बैच होगा वो स्टार्ट होगा। बैच हमारा सेपरेट ही रहेगा, तो वो स्टार्ट होने जा रहा है 14 अप्रैल से। एक और नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारे क्लासेस होंगी वो होंगी 2 आवर्स पर डे। सो क्लासेस होंगी वो 2 आवर्स पर डे होंगी, मतलब एक दिन में 2 घंटे की क्लासेस होंगी। टाइम जो होगा वो उसका होगा इवनिंग 6 to 8 PM। ओके, सो टाइम क्या होगा, 6 to 8 PM। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, कब स्टार्ट होंगी हमारी, 14 अप्रैल से। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि जो हमारा ये सीबीटी टेस्ट होने जा रहा है, इसके बेसिकली 2 पार्ट होंगे, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं टेक्निकल से, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं नॉन टेक पार्ट से। तो यहाँ पर सेपरेट बैच होगा हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए, और सेपरेट होगा, सेपरेट क्लासेस होंगी हमारे जनरल अवेयरनेस एंड लिसनिंग पार्ट के लिए। तो दोनों ही टेक्निकल क्वेश्चंस और नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए हमारे पास सेपरेट क्लासेस होंगी, जहाँ पर हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो यहाँ पर जो हमारा ये कोर्स होगा, यहाँ पर हम 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो जो ये टेस्ट सीरीज होगा, ये 5 मॉक होगा, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, यू कैन सी यू विल गेट एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, इस तरह क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फ्रेम हो सकते हैं, ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये टीम आरोहण का एक प्रयास है कि आपकी ये जो एक जो आप एफर्ट पुट करने के लिए जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो इसमें टीम आरोहण अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं।
ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो कंप्लीट जो हमारा ये क्रैश कोर्स का जो सिस्टम होगा, इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे मेन पॉइंट होता है, तो फीस स्ट्रक्चर हमने बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए, क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए, जितना नॉर्मल हमारे लिए पॉसिबल था उतना हमने फी कॉस्ट यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है। सो ये जो कम्प्लीट जो हमारा ये जो क्रैश कोर्स होगा, उसकी जो कम्प्लीट फीस स्ट्रक्चर है वो होगी 10,000 rupees। 10,000 is the total fee structure for these complete courses. Okay, so जो भी candidates इस courses का benefit लेना चाहते हैं, इसको join करना चाहते हैं, ये इस date को बिल्कुल ध्यान में रखें। 14 अप्रैल से classes start होने जा रही हैं। Time जो होगा वो 6 to 8 PM होगा। Classes regular way पे होंगी, 6 to 8 PM। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये हम जो भी हमारा ये complete crash course है, हम इसको एक specified time में उसको खत्म कर दें, ताकि कैंडिडेट्स को भी सर प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट टाइम वहां पर मिले। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स इसको गेन करना चाहते हैं, इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसको अप्लाई कीजिए। यहां पर आप अगर 14 अप्रैल से पहले अप्रोच लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखिए कि जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद जो भी कोई नया कैंडिडेट्स आएगा तो उसके लिए शायद कैचअप करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप पूरी कोशिश कीजिए, आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप 14 अप्रैल से पहले ही टीम अरोहण को अप्रोच करें। Thank you very much.